देखने को। खुश तो लग रहे हैं बट इनकी कुछ योजनाएं बहुत खराब हैं। कौन कौन सी योजनाएं खराब? जैसे इन्होंने एक योजना चलाई है साड़ योजना, उस 4.5 साल में जो किए हैं बीजेपी। अच्छा 4.5 साल में इन्होंने महिलाओं को तो सम्मान दिया है और उसकी महंगाई लग रही नहीं लग रही? अरे महंगाई दबाई गया है। हाँ, का माहौल देखिए, हम भाजपा को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते पर महाराष्ट्र को अपने हम सपोर्ट करेंगे। अब पता नहीं, अभी तो फॉर्म फिल किए थे उसके बाद फिर निकला ही नहीं अभी। अच्छा, UPPI और ना अदा भी है। अच्छा, यहाँ कुछ है कांग्रेस का? जो है वो कांग्रेस की तो देन है और किसकी देन? तो हम समझ गए आप जाएंगे बटन दबाने फिर। आप बिल्कुल बहुत समझदार हैं। समझ गया। बिल्कुल समझदार है। हिसाब से किया है लेकिन वो ये नहीं है कि हर घर में आके हर घर का चूल्हा जलाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है विनोद बाबू। हम इस समय है अमेठी जिले में। हमारा उत्तर प्रदेश का चुनावी पड़ाव आ पहुंचा है अमेठी जिले में। अमेठी जिला गांधी नेहरू के परिवार का एक गढ़ रहा है। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीट हैं जिस पर 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 में मोदी लहर आई और 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। यहाँ मौजूद हैं लोगों से हम पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, वो किसको सत्ता में भेजना चाहते हैं बता दीजिएगा ना। अरे जो है ठीक है, कोई खुद दे देगा नहीं भाई। देगा नहीं, सरकार देगी ना आपको? कोई कुछ नहीं देता है, बस ऐसे दिखावा। अच्छा, काम वाम हुआ है नहीं हुआ यहाँ? भैया पूछिए, भैया बताए। आप बता दीजिएगा, आपसे पूछ रहे हैं आराम से। हमारा क्या, हम तो भाई गाड़ी चलाते हैं, 5,000 रुपए पाते हैं बस, उसी में मस्त है। हमसे किसी से नहीं मतलब है, कोई कुछ देता नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ, कौन मारेगा बारिश? अब देखो अभी चुनाव है, क्या हो क्या हो मतलब क्या चल रहा है देखिएगा। अभी तो कहते हैं कोई सपा जीतेगा, कोई कहता है भाजपा जीतेगा। तो मोदी सरकार ने यहाँ पे किया नहीं कुछ, योगी सरकार किया? अमेठी में कुछ नहीं हुआ है, अमेठी में कुछ नहीं हुआ है। तो खुश नहीं है योगी सरकार से? कोई खुश नहीं है, बैल छोड़ा के किसान का बर्बाद कर दिए हैं। हाँ। क्या और राशन वासन तो दे रही नहीं दे रही? अरे राशन वही याद है 5 किलोमीटर ना घुमान, 5 क्विंटल साल चल रहे हैं, वह निहाद है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप वोट देने जाएंगे? देखो अभी तो यहाँ राजा साहब खड़े हैं, राजा साहब के भाई वोट देंगे सब। अच्छा हमारा महिला। अच्छा तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है? माहौल के बारे में हम ना बता पाओ। मटर बिकाती है 100 के 3 किलो। हाँ मटर दिखा दीजिएगा भैया, ये कैसे बिकात है? 100 के 3 किलो। अच्छा तो महंगाई वहंगाई लग रही नहीं लग रही? अरे महंगाई दबाई गया है। हाँ सरकार से खुश नहीं है? सरकार का हमें जो करेगा वो करते है, सरकार का हम कर देती है खाएगा। हाँ शौचालय बना नहीं बना? शौचालय नहीं कहा, बाथरूम बना है या शौचालय बना है? बेचत तो वही बैठ के आराम करे, ले ठेला ले बेचत है। चाचा पूछे, चाचा बताइए माहौल, माहौल के बारे में नहीं मालूम। अच्छा क्या नाम है चाचा? विनोद कुमार शुक्ला। अच्छा नाम इधर देख लीजिएगा, हमारा भी नाम विनोद कुमार ही है। तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल है, थोड़ा पीछे पड़ जाइए। यहाँ का माहौल बीजेपी का लग रहा है? अच्छा बीजेपी लग रही है। डॉक्टर संजय सिंह जीतेंगे। अच्छा डॉक्टर संजय सिंह जीतेंगे। महंगाई वहंगाई नहीं लग रही चाचा? महंगाई तो देश की उन्नत होगी तो महंगाई बढ़ेगी। पीछे दादे बता रहे बहुत महंगा है, महंगा है। पहले इस रोड पे कितनी भीड़ थी, अब कितनी भीड़ है, कितनी मोटरसाइकिल जाती थी, अब कितनी जा रही है। देश की उन्नत होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा तो पैसा तो हमारे जाता है टैक्स वगैरह का सब? हाँ सब जाता है लेकिन काम भी तो हो रहा है। हाँ। अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, क्या सुविधा नहीं मिली आपको? सब तो मिल रहा है, पेंशन आ रही है। हाँ पहले कितनी पेंशन आती थी, अब कितनी पेंशन आ रही है। अच्छा। तो काम तो हो रहा है, काम होएगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। बेरोजगारी नहीं लग रही है? बेरोजगारी तो होती रहती है, जो पढ़ा लिखा है उसको काम रोजगार मिल रहा है। यहाँ विकास विकास हुआ कुछ? शिक्षक व्यवस्था हुई है नहीं हुई है? भैया पढ़े नहीं है तो क्या बताएं। बीमार होते होंगे कभी? बीमार होते हैं, सरकारी अस्पताल है वहाँ जाते हैं, वही बुखार का वही जुखाम का वही दवा देते हैं। यानी आपका कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में, महंगाई है? क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में यही कहें, धीरे धीरे महंगाई होती है, विकास होता है तो महंगाई होती है। क्या लग रहा है माहौल यहाँ का बता दीजिएगा? माहौल बहुत अच्छा है भैया। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? हाँ। महंगाई नहीं लग रही है? महंगाई कहाँ है, आमदनी नहीं हुई आदमी की? हाँ। जो आमदनी ज्यादा है तो महंगाई भी ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? 1,000 रुपए में सिलेंडर है, क्या हुआ? 100 रुपए आदमी की दिहाड़ी नहीं बढ़ी है? हाँ। कहाँ दिहाड़ी बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? क्या नाम है? दिनेश सिंह। अच्छा क्या लग रहा है यहाँ का है? भाजपा यहाँ से निकल रही है। भाजपा लग रही है? हाँ।
महंगाई नहीं लग रही है? महंगाई क्या, महंगाई सब सही है। अच्छा, सपा वाले आरोप लगाते हैं भाजपा गुंडा आरोप दो यहाँ। हाँ, सपा हमेशा आरोप लगाती है। अच्छा, उनका आरोप लगाना काम ही है। उनका आरोप लगाना काम ही है। अच्छा, हर आदमी की आरोप नहीं। लखीमपुर का आपने सुना था तिकुनिया कांड जो हुआ था? सुने हैं। गृह राज्य मंत्री के बेटे सुने हैं। हाँ। सुने हैं। हाँ। तो उसका मुआवजा नहीं मिला लोगों को? हाँ। क्यों नहीं मिला? सबको मिला मुआवजा। हाँ। बराबर का मुआवजा मिला। जो कहीं किसी से गलती हो जा रही तो उसका खामियाजा सब भुगतते हैं। सपा सरकार थी तो उसमें नहीं होता था ये सब। पब्लिक है, कोई किसी को बांध के रखेगा? गलत लोग भी रहेंगे, अच्छे लोग भी रहेंगे। अब एक तरह के थोड़ी रहते हैं, कोई बेईमान रहता है, कोई ईमानदार रहता है, हर एक चीज। क्या नाम है भाई? खान मोहम्मद। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? देखिए, हम भाजपा को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, पर महाराज को अपने हम सपोर्ट करेंगे। हाँ। इस बार। अच्छा, बस भाजपा से हमें कोई नहीं लेना देना, हम महाराज को सपोर्ट करेंगे। इस टाइम क्या है, विकास किया है यहाँ? महाराज ने बहुत ही विकास किया है। महाराज ने कॉलेज बनवाए, जहाँ की कॉलेज नाम का यहाँ एक शब्द नहीं था, जो की महाराज ने ही नींव रखी है। और किसी ने आज तक यहाँ पर कोई कॉलेज की नींव नहीं रखी। फार्मेसी है, बीटेक है। हाँ। अपना और ये डिग्री कॉलेज है। हाँ। और भी हमारे इंटर क्लास के जो है डिग्री कॉलेज, वो हमारे महाराज जी ने दिया है, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में महाराज ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम एडिक है। आप करते क्या है? मैं बेटी वैसे नॉर्मली ढंग से तो मैं कंप्यूटर क्लासेस चलवाता हूँ, और महाराज जी के ही कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, तो अच्छा महाराज जी के कॉम्प्लेक्स जी। तो महंगाई नहीं लग रही दादा? महंगाई लग रही है, वो तो टाइम के टाइम, दर के टाइम जैसे बढ़ती जाएगी महंगाई। शहबाज सिद्दीकी। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ का? सबसे बड़ी समस्या जो हमारे लिए, हम नौजवान हैं, हम छात्र हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी की है। हम ये चाहते हैं अमेठी से, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, पर महाराज डॉक्टर संजय सिंह को हम दिल से सपोर्ट करते हैं। और हम प्रदेश में चाहते हैं बने, जिसकी सरकार भी बने, चाहे वो सपा बने बसपा बने, सबसे पहले युवाओं के बारे में सोचे। कौन सी सरकार आपके बारे में सोचेगी? 2017 में पिछले 3 साल से लॉकडाउन है। हाँ। अब कोई भी सरकार होती, सिचुएशन सेम ही होती। हाँ। पर आने वाले टाइम में जो भी सरकार में, चाहे सपा बने बसपा बने या बीजेपी, 2018 के बाद से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई, ना यूपीपी आई, ना आर्मी आई। तो जल्द से जल्द भर्तियां लाई जाएं और बस युवाओं के बारे में सोचा जाए। महाराज को पसंद करते हैं बीजेपी की नहीं? जी बिल्कुल नहीं। हाँ। जी महाराज को पसंद करते हैं, बीजेपी को बिल्कुल नहीं। तो उन्हीं की है वो बिल्कुल, वो मगर दिल से सपोर्ट वही तो करेंगे। नहीं, हम महाराज के साथ हैं, बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं। हम इतना कहना चाहते जी। क्या लग रहा है यहाँ? सब ठीक लग रहा है। माहौल क्या है? कौन ताज पहनेगा इस बार? भाजपा। भाजपा पहनेगी जी। कुछ काम बता दीजिएगा, क्यों? बहुत सारी योजनाएं गिनाऊंगा तो थक जाएंगे। यही तो जनता जानना चाहती है। किसान सम्मान निधि। हाँ, एक योजना। शौचालय, वो तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अरे वो सब ठीक है, भाजपा कह रहे हैं ना, भाजपा पसंद है, ठीक है। योगी का लाइन ऑर्डर भी अच्छा है जी। बिल्डोजी चढ़ाने वाला जी। हाँ, हाँ। जी हाँ, बड़े कानून व्यवस्था एक क्लास की है, नहीं रोज चैन छीनी जाती थी अमेठी में। हाँ। जी हाँ। अच्छा, और तिकुनिया में जो कांड हो गया था, हाथरस का जो कांड हुआ, उन्नाव का जो कांड हुआ, अरे वो तो बाहर है, मैं यहाँ लोकल का बता रहा हूँ। हमारे अमेठी में तो सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो जी हाँ, लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है। हाँ। जी हाँ, इसी योगी का बिल्डोजी चलाने वाला बढ़िया है, इसी पे वोटिंग है। क्या नाम है भैया? भूपेंद्र शुक्ला। क्या लग रहा है यहाँ? यहाँ सबका माहौल है, अपना अपना सब चिल्ला रहे हैं कि हमारा माहौल है। हाँ। हाँ। क्या लगेगा इस बार, कौन ताज पहनेगा? 10 तारीख को सब आपके सामने होगा, आम पब्लिक के सामने होगा। जनता तो बोलती है। जनता सब ऐसे चिल्ला रही, जनता कुछ। हाँ। मालूम नहीं, सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अच्छा, तो इस सरकार से खुश हैं आप? सभी खुश हैं। अच्छा, महंगाई नहीं लग रही? अब महंगाई है तो क्या करें, बेरोजगारी तो हमारे कहने से कम हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है। तो आप ही चुनेंगे ना, एक वोट देने जाएंगे? हाँ, तो हम तो दबा ही देंगे, हमको जो दबाना है वो तो दबाएंगे ही। कौन सा दबा देंगे? हमारी जो इच्छा होगी। अच्छा। हाँ। और लग नहीं रहा इसमें इस सरकार से, यानी आप खुश लग रहे हैं? खुश होते तो ऐसे टहलते नहीं कहीं अच्छे ढंग तो बता नहीं रहे, अपनी मन की बात नहीं बता रहे। तो मन की बात तो आपको बता रहे हैं, और कैसे बताएं? बता रहे हैं, दबा देंगे जाके, खुश भी नहीं है। दबा देंगे, वही तो बता रहे हैं, अपने हिसाब से दबा देंगे प्रत्याशी। अच्छा, तो कौन सी सरकार है यहाँ जो काम करे? सभी सरकार कहती नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हर सरकार कहती है। अमेठी जो जिला है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहाँ कुछ है कांग्रेस का? जो है वो कांग्रेस की तो देन है, और किसकी देन? तो हम समझ गए, आप जाएंगे बटन दबाने फिर। आप बिल्कुल बहुत समझदार। समझ गए आप? बिल्कुल समझदार है। आगे काम अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल अच्छा, में। अच्छा, तो क्या लग रहा है? हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी? हाँ, बीजेपी। पढ़ाई में क्या किया है?
पढ़ाई में कंप्यूटर सीख रहे हैं। अच्छा सीख रहे हैं, क्या नाम है भैया? हिमांशु सिंह। अच्छा क्या लग रहा है माहौल यहाँ? माहौल तो ठीक लग रहा है। हाँ सत्यम किसको डालेंगे? सत्ता में बाबा जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे। योगी जी खुश लग रहे हैं? खुश तो लग रहे हैं, बट इनकी कुछ योजनाएं बहुत खराब हैं। कौन कौन सी योजनाएं खराब? जैसे इन्होंने एक योजना चलाई है सांड योजना, उससे किसान बहुत दुखी है। सांड योजना से? सांड योजना से। हाँ। अगर ये योजना हो सके तो बंद करवा दी जाए, क्योंकि इनके पास पर्याप्त गौशालाएं नहीं है। जब पर्याप्त गौशालाएं नहीं है तो उनकी व्यवस्था नहीं की जा रही है, इनकी बहुत अव्यवस्थाएं अभ्यस्त हैं, इसलिए जितनी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, किसान उनसे बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। ये बताइए, किसान जब अपनी फसल का सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जितना पैसा वो लगा तो रहा है, बाबा को करना चाहिए ना? तो बाबा को करना चाहिए, बाबा ही करे ना। मैं आपके माध्यम से बाबा से ही। चार साल में क्या किए हैं वो बताइए। ये बताइए, जब वो जो अव्यवस्थाएं इस कारण व्यक्त हो रही हैं, इनकी जो शासन व्यवस्था है उसमें जो इनके अधिकारी लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी व्यवस्थाएं अव्यस्त अस्त व्यस्त हैं। अच्छा क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा तो रोजगार पाए कि लग रहा है कुछ? रोजगार तो देखिए, रोजगार जो कर्म करेगा रोजगार उसको ही मिलेगा। रोजगार यहाँ वैकेंसी निकालेंगे तभी तो मिलेगा। वैकेंसी देखिए, वैकेंसी तो वो विभाग का काम है वैकेंसी निकालना। हाँ। वो वैकेंसी निकाली जाएगी तभी होगा। अच्छा 5 साल हो गया आर्मी की कोई नौकरी नहीं, 5 साल हो गया आर्मी की कोई नौकरी यार नहीं। बता रहे हो हम बाबा को जिताएंगे तो क्या करें फिर? बाबा को जिताएंगे, बाबा आपकी बार हो सके तो दे दे। हो सके? हाँ हो सके तो हम लोग एक बार और चांस देंगे उनको। हाँ। क्योंकि वो ये ना कह पाए कि 5 साल ही सत्ता में रहे, उसके बाद हम ऐसा नहीं कर पाए। अच्छा अगर 5 साल में देखेंगे, अगर बाबा ऐसा काम नहीं करते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा, दूसरा विकल्प हम लोग देखेंगे। अच्छा चलिए, हम कांग्रेस के गढ़ में खड़े हैं, कुछ लड़कियां खड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जाइएगा नहीं आराम से। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। नेहा। क्या करती हैं आप? MBA। अच्छा बीए कर रही हैं। यस। तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस बात पर कितना सहमत है? यस लड़ सकती हूँ। अच्छा तो आपके लिए सरकार कौन सी आपके लिए बढ़िया है जो यहाँ काम करे? मेरे लिए तो कौन सी सरकार, बीजेपी ही अच्छी है। बीजेपी अच्छी है? बीजेपी पसंद है? यस। अच्छा तो कुछ आशा आशा किए हैं बीजेपी से कि आपको नौकरी वोकरी मिल पाएंगी? अब पता नहीं, अभी तो फॉर्म फिल किए थे उसके बाद फिर निकला ही नहीं अभी। अच्छा ना UPPI और ना अदर भी। अच्छा तो अब दिक्कतें तो नहीं होती हैं महिलाओं की बाहर निकलने के लिए योगी बाबा? नहीं दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन कोई वैकेंसी उस तरह आई ही नहीं। हाँ। हमारे लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ही बोलना चाहते हैं। अच्छा हाँ हमको शिक्षा के लिए आगे बढ़ावा देना चाहिए इनको, और क्या करें हमें आ जाते ही। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि द्विवेदी है। हाँ, तो क्या लग रहा है आपके लिए कौन सरकार है जो बढ़िया काम कर? सरकार तो हर जो भी सरकार होती है वो सब काम करती है, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करता है, लेकिन बात ये है कि कुछ अच्छाइयों के पीछे बुराइयां भी होती हैं और बुराइयों के पीछे अच्छाइयां भी होती हैं, ऐसा नहीं है। काम तो सब करते हैं लेकिन अपने हिसाब से, जिसका जितना माइंड है उतना ही करेगा। और ये रही बात ये कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करती है, किसको कौन चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। बना है आपका? हाँ हमारा तो मत बना हुआ है। देने जाएंगे? हाँ मत तो देने जाएंगे। कौन से मुद्दे पे देने जाएंगे वोटर? मुद्दे तो हम बीजेपी को ही देने जाएंगे, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि बीजेपी अच्छी है, जो भी किया वो भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है कि अच्छा, नहीं तो किया। दो तीन काम बता दीजिएगा जी 4.5 साल में जो किए हैं बीजेपी। अच्छा 4.5 साल में इन्होंने महिलाओं को तो सम्मान दिया है, और उसके बाद जो परेशानियां होती थी इससे भी महिलाओं को काफी बचाया है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने रोजगार भी दिया है, उसके बाद रोजगार दिया है लेकिन कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां हैं। हाँ अपने हाथों का कांड सुना था, वो भी मैं एक महिला थी योगी। हाँ, की सरकार में उसे। लेकिन योगी की सरकार क्या योगी आके उसको किए हैं? वो तो आम जनता की बात है, हम लोग जिसको चाहे भी मारने लगे तो क्या योगी हमको ये कहे कि हम किसी को मारें? ये गलत बात है। उन्होंने जितना हुआ उतना अपने हिसाब से किया है, लेकिन वो ये नहीं है कि हर घर में आके हर घर का चूल्हा जलाएंगे। उनके हिसाब से जो योजनाएं हैं वो सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा आप स्कूल आती हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं दिक्कत तो हमें कुछ भी नहीं होती है, ऐसा कोई भी बात नहीं कि हमको दिक्कत होती है, कॉलेज में भी रास्ते में भी घर में भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दिक्कत जब हम खुद से अच्छे हैं तो दिक्कत हमें क्यों होगी? ये दिक्कत होगी तो हम उसके लिए हमारे कानून है, हमारे माँ बाप हैं और भी पेरेंट्स हैं, तो इसके लिए हमें दिक्कत तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और क्या करती हैं आप? हमारा MA फर्स्ट ईयर है हिंदी सब्जेक्ट से। हिंदी सब्जेक्ट? हाँ। यही यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं? हाँ यहीं से पढ़ते हैं। अच्छा। RRPG कॉलेज। हम थे अमेठी जिले में, ये अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी सत्ते में है। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2022 में
किसको सरकार बनाना चाहते हैं तो जनता ही जानती है। हम लोगों से बात कर रहे थे, कुछ महिलाओं से हमने बात की, तो बीजेपी को पसंद करते हैं, कहते हैं कि 2022 में भी हम बीजेपी यानी कि कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। या वीडियो हम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और या वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। देखते रहें ज्ञान कोश, धन्यवाद।